सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। सुप्रभात मैम। आप सब कैसे हैं? आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का पाठ पाठ 6 क्रिसमस का पर्व। आज हम इसका पठन करेंगे। 6 क्रिसमस का पर्व। कक्षा कार्य 5/11/20। दिनांक है आज की 5/11/20। नए शब्द उपहार। उम्र कठोर। खिलाड़ी परिश्रम। भ्रमण प्रस्थान। क्रम राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। आज क्रिसमस का पर्व है। जहाँ जहाँ मैंने स्लैश लगाया है, विराम चिन्ह विराम लगाया है, वहाँ आप भी लगाएंगे। आज क्रिसमस का पर्व है। चारों ओर खुशहाली और प्रसन्नता है। ध्रुव और उसकी बहन ने मिलकर क्रिसमस ट्री को गुब्बारों, सितारों और रंग बिरंगी गेंदों से सजाया। ध्रुव ने अपनी बहन को फ्रॉक उपहार में दी। जिसे पहनकर वह बहुत खुश थी। उसकी फ्रॉक पर लाल रंग के छोटे छोटे फूल बने हुए थे। प्रेम भी इस पर्व को मनाने प्रयाग से आया है। प्रयाग एक जगह का नाम है। प्रेम उन दोनों के लिए उपहार भी लाया। प्रेम क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो इसमें आपने देखा कि आज क्या है, क्रिसमस का पर्व। हमारा देश भारत जो है बहुत ही पर्वों का देश है, रंग बिरंगा देश है। तो इसमें क्रिसमस भी मनाया जाते हैं। आपने अभी दिवाली मनानी है, फिर क्रिसमस आएगा। तो इस पर्व पर चारों ओर खुशहाली और प्रसन्नता है। ध्रुव और उसकी बहन ने मिलकर क्रिसमस ट्री आपने देखा ना, तो क्रिसमस ट्री को किससे सजाया? गुब्बारों से, सितारों से और रंग बिरंगी गेंदों से। छोटी छोटी गेंदें आती है ना, छोटे छोटे गिफ्ट्स भी लटकाते हैं हम। जैसे सजाते हैं, जैसे मन करे सजा सकते हैं। ध्रुव ने अपनी बहन को फ्रॉक उपहार में दी। हम इस दिन गिफ्ट्स भी देते हैं, उपहार देते हैं, है ना। तो ध्रुव ने क्या किया, अपनी बहन को फ्रॉक गिफ्ट की। देखो बॉक्स दे रहा है ना, उसको पहनकर वह बहुत खुश थी और वो बहुत खुश हो गई। अब हमें कोई अच्छा सा गिफ्ट देगा प्यार से, हम खुश नहीं होंगे। उसकी फ्रॉक पर लाल रंग के छोटे छोटे फूल बने हुए थे, है ना। किस रंग के थे? लाल रंग के। जैसे मेरा प्रिय रंग है लाल, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लाल रंग, आपको भी अच्छा लगता होगा। प्रेम भी इस पर्व को मनाने प्रयाग से आया है। प्रयाग एक जगह का नाम है। और प्रेम उनका कोई फ्रेंड होगा या कज़न होगा, इसमें नहीं बताया, लेकिन वो कहाँ से आया है? प्रयाग से, दूर से आया है ना। हम त्यौहार मनाने जाते हैं ना दूर दूर, अपने रिश्तेदारों के पास, अपनों के पास, अकेले थोड़ी त्यौहार मना सकते हैं। प्रेम उन दोनों के लिए उपहार भी लाया। अब आया है तो गिफ्ट भी लेके आया, उपहार लाया, वाह वाह मज़े आ गए। प्रेम क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और वो क्या है? बहुत अच्छा क्रिकेट का। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं? तो प्रेम भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अभी उसकी उम्र कम है, मतलब अभी वो छोटी एज का है, उसकी जो उम्र है वो कम है। आने वाले समय में वह अपनी राष्ट्रीय टीम में खेलेगा, मतलब वो ऐसे ही खेल रहा है, अभी सीख रहा है, क्योंकि उसकी उम्र जो है कम है। क्योंकि अगर हमारी राष्ट्रीय टीम, जो हमारी बड़ी टीम्स हैं, जो हमारे राष्ट्र के उसकी हैं, तो उसकी वो टीम के लिए अभी वो छोटा है, इसलिए वो थोड़े टाइम बाद खेलेगा। अभी वह कठोर परिश्रम कर रहा है।
कठोर परिश्रम मतलब बहुत मेहनत कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से सब कुछ सीख रहा है। सबको करना पड़ता है कुछ भी अच्छा करने के लिए। प्रेम ने अपने विद्यालय में कई प्रतियोगिताएं भी जीती हैं। प्रेम ने अपने विद्यालय में, हमारे स्कूल में भी क्रिकेट होता है ना, तो हमारे इस प्रेम ने विद्यालय की कई प्रतियोगिताएं जीती हैं। छोटी उम्र में किया गया परिश्रम जीवन भर काम आता है, मतलब हम जो छोटी उम्र में परिश्रम कर लेते हैं वो हमारे जीवन भर काम आता है। ध्रुव व प्रेम ट्रेन में बैठकर क्रिकेट खेलने के लिए प्रयाग जाएंगे। तो हमारा ध्रुव भी क्रिकेट खेलता है, तो ये लिखा है कि ध्रुव और प्रेम दोनों ट्रेन में बैठ के प्रयाग जाएंगे और वहाँ क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है, इसमें बोला ना बचपन में जो हम परिश्रम करते हैं कितना फ़ायदा देता है हमें, है ना। चलिए अब बार बार इस पाठ का पठन करिएगा आप। आज क्रिसमस का पर्व है, चारों ओर खुशहाली और प्रसन्नता है। गुरु और उसकी बहन ने मिलकर क्रिसमस ट्री को गुब्बारों सितारों और रंग बिरंगे गेंद से सजाया है। गुरु ने अपनी बहन को फ्रॉक उपहार में दे जिसे पहनकर वह बहुत खुश थी। उसकी फ्रॉक पर लाल रंग के छोटे छोटे फूल बने हुए थे। प्रेम भी इस परम को माना ने प्रयाग से या आया है। प्रेम उन दोनों लाए उपहार भी लाया। प्रेम क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। शब्द अर्थ उपहार तोहफा पर्व त्योहार राष्ट्रीय राष्ट्र का खिलाड़ी खेल खेलने वाला परिश्रम मेहनत ट्री पेड़।
हैं।